हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल टाइटल सही पढ़ा है, केवीएस वैकेंसी इन 2024 यानी कि 2024 में जो है आपको केवीएस की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। अब देखो, वो बोलते हैं ना कि तूफान आने से पहले जो है आपको कुछ ना कुछ इशारा मिलता है, तो ठीक केवीएस की वैकेंसी से पहले जो प्रोसीजर होता है इनका वो स्टार्ट हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लेकर चलूंगा, जहां से आप जो है चीजों को खुद से आई रिपीट वेरीफाई कर सकते हो कि कहां से वैकेंसी आने वाली है, कैसे वैकेंसी आने वाली है, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ पे। आगे बढ़ू उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सिंस अगर जिन लोगों ने जो है पिछली बार की वैकेंसी का एग्जाम दिया है तो उन्हें आइडिया होगा, अदरवाइज केवीएस ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है एग्जामिनेशन को पूछने के क्वेश्चन के पूछने के तरीकों को लेकर। तो अगर आपको सिलेबस चाहिए, जैसे सपोज कर लेते हैं कि आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे 1 to 5 आप लिखना, यानी कि पीआरटी के लिए लिखना, सीधी सीधी बात है। केवीएस पीआरटी के लिए अगर आप जा रहे हो तो पीआरटी लिखिएगा, अगर आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जा रहे हो तो टीजीटी लिखिएगा, और अगर आपको पीजीटी की भर्ती चाहिए, आई मीन पीजीटी के लिए अप्लाई करोगे तो पीजीटी लिखना, ठीक है। सबके सिलेबस को मैं आपको जो है आने वाले समय में, जैसे मैं फ्री होता हूं, तो आपको पीआरटी की सिलेबस, टीजीटी की सिलेबस और पीजीटी की सिलेबस आपके साथ मैं साझा कर दूंगा, ऑलराइट। दूसरी बात, पेपर भी साझा कर दूंगा ताकि आपको नॉलेज मिल सके। यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहां से जो आपको 100 क्वेश्चन पेपर जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि केवीएस, एनबीएस, DSSB, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के, ये सभी क्वेश्चन पेपर आपको जो है मिल जाएगा। मिनिमम चार्ज में आपको ये सारे पेपर मिल जाएंगे, सारे पीडीएफ फॉर्म में होंगे, आप उन्हें प्रिंट करा करके आराम से प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि केवीएस की नई वैकेंसी के बारे में अपडेट कहां है, कैसे है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखो, मैं आपको अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलूं, ये स्क्रीनशॉट है मेरा, ठीक है। यहां पे जाओगे तो आपको कुछ ऐसा केवीएस का जो है ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा, ऑलराइट। अब आप जब नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, तो देखिए वहां पे आपको दिखेगा अपडेट्स, और अपडेट्स में जो पहली वाली नोटिफिकेशन है, ध्यान से पहले समझ लेना मेरी बात को, उसके बाद वीडियो छोड़कर कहीं से आप जाना। बाय द वे, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए देवघर झारखंड से बना रहा हूं, बाबा धाम से। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो नीचे कमेंट करके वो भी जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि इस फैमिली के जो मेंबर्स है वो कहां कहां फैले हुए हैं, ऑलराइट। नीचे कमेंट करके आप ये भी बताना। अब देखो, यहां से टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द एनुअल ट्रांसफर्स। अब बोलोगे ये तो ठीक है, वैकेंसीज के बारे में तो ठीक है, हमारे काम की है, बट ये एनुअल ट्रांसफर का क्या लेना देना है हमारा, अभी समझ में आ जाएगा, अभी मैं समझा देता हूं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं पीडीएफ को। एक्चुअली जब भाई आप इस पर टच करोगे तो एक पीडीएफ ओपन होगा, वो पीडीएफ मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं, और उसमें क्या डिटेल्स जो है इंफॉर्मेशन है। और वो बोलते हैं ना कि आप हमेशा 1+1 2 ही मत करो, 1+1 11 भी आपको जो है कहीं एक और एक जो है 11 भी दिखता है, तो देखने के नजरिए को थोड़ा सा जो है आपको चेंज करने की जरूरत है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं वहां पे। यहां से देखो आप, पीडीएफ ओपन हो चुकी है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है, और टेंटेटिव वैकेंसीज है। यहां पे क्या है, टेंटेटिव वैकेंसीज। अब देखो, आगरा के लिए सबसे पहले जो रीजन है आपका, एक्चुअली केवीएस जो है अलग अलग रीजन में डिवाइडेड है, तो वहां पे टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ, ये देखो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। यहां से देख लो आपको पीजीटी के लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट की कितनी कितनी वैकेंसीज है, ठीक है, एज ऑफ नाउ की बात की जा रही है यहाँ पे, ऑलराइट। आगरा की वैकेंसीज है, आई मीन आगरा में जो है, देखो आगरा रीजन के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स की, फिजिक्स की, सभी के बारे में इन्होंने जानकारी दे दी है। अब देखो आगरा, अभी देखो आगरा इतना सारा वैकेंसीज आपको दिखेगा, ठीक है, आगरा के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है। ये 540 पेज की पीडीएफ है, अगर आप यहां से देखोगे, जब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो एक बार आप देख लेना। देखो यहाँ पे ये टोटल जो है 540 पेज का पीडीएफ है, समझना मेरी बात को। अब देखो ये देहरादून है, दिल्ली है, एर्नाकुलम आपको दिखेगा, एर्नाकुलम एक्चुअली ये जो है अल्फाबेटिकली ऑर्डर से सजाया गया है। अब देखिए इसका मतलब क्या निकलता है, तो देखो दिल बहलाने का ख्याल जो है गालिब अच्छा है वो वाला हिसाब किताब नहीं है। देखना, जब भी ये टेंटेटिव वैकेंसीज आती है और ट्रांसफर ऑर्डर आता है, इसके बाद से ही जो है नई वैकेंसी के बारे में जो है चीजों को किया जाता है। और देखो एक अच्छी बात ये हुई है इस बार की आम चुनाव में, इस बार के जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, एलएस पोल जो आपका हुआ है, इलेक्शन जो हुआ है, इसमें अच्छी बात निकल कर ये आई कि किसी पार्टी के पास जो है अकेले सरकार बनाने के लिए जो है 272 का जो आंकड़ा चाहिए होगा वो है नहीं किसी के पास, सभी जो है एक दूसरे के जो है कंधे पे सवार होकर जो है सरकार बनाकर चल रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि ऐसे में जनता का भला होता है, जब भी कमजोर सरकार बनती है। देखो फायदा नुकसान तो दोनों है,
वीक गवर्नमेंट का फायदा और नुकसान दोनों है, बट कमजोर गवर्नमेंट में आपको जो है छोटे छोटे काम को जो है ध्यान में रखना होता है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, महंगाई को कम करने के बारे में बात की जाती है, इन्फ्लेशन को जो है लो करने की बात की जाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात यहाँ पे की जाएगी, ठीक है, यानी कि रोजगार बढ़ाने की बात की जाएगी, नए नए स्कूलों को ओपन करने के बारे में बात की जाएगी, तो ये अच्छी बात है, समझना मेरी बात को। अब देखो खास करके जो यूपी से बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है हाल में ही देखो यहाँ पे इनके द्वारा जो है रिप्लाई दिया जाता था पहले कि हमारे यहाँ शिक्षक वैकेंसी है ही नहीं, आप लोग सभी लोग इस बात से सहमत हो गए, इनका कहना था हमारे पास तो बिल्कुल हम लोग जो है जितनी स्ट्रेंथ चाहिए टीचरों की कि जितनी जरूरत है हमारे पास फुल है। लेकिन अब देखो जैसे ही यूपी में सीटें कम हुई है तो बीजेपी की वहाँ पे गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट है वहाँ पे, उन्होंने कहा कि जितनी भी शिक्षकों की पोस्ट जो है वैकेंट है सर्वे किया जाए और फटाफट इनमें जो है रिक्रूटमेंट लाया जाए। तो देखिए यूपी में आपको 80,000 शिक्षकों की रिक्रूटमेंट, ये यूपी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, पीआरटी टीजीटी पीजीटी एलटी जो भी वहाँ पे वैकेंसीज आती है वो सारे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए केबीएस की बात कर लेते हैं, तो देखिए केबीएस में भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, और एनबीएस वाला वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है, मुझे पता है बहुत कम लोगों ने देखा, 2,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा है। एनबीएस ने टेंटेटिव डेट वैकेंसी की जो रिलीज होगी, इनकी नोटिफिकेशन, अप्लाई कैसे करोगे, एग्जामिनेशन कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, इन्होंने बिल्कुल सब कुछ दिखा दिया है पहले से ही, नवोदय विद्यालय ने ये पहले से दिखा दिया है केबी में। अब देखो इन्होंने जो है एक सिंबल देना शुरू कर दिया, एक हिंट देना आपको जो है शुरू कर दिया है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने, यहाँ भी आपको रिक्रूटमेंट जल्द ही देखने को मिलेगा। याद रखिएगा पीआरटी वाले के लिए खास करके जो है बहुत फायदा होने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बार पिछले बार भी बीएड बाहर हुआ था, इस बार भी जो है बीएड यहाँ पे होगा नहीं, तो ऐसे में जिनके पास डीएलएड या बीटीसी की डिग्री है वही एलिजिबल होंगे, उनके लिए तो फायदा ही फायदा है, आप अच्छे से तैयारी करो। और बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी की, तो अगर आपका सब्जेक्ट बेटर है आप डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस करके दिखाओगे किसमें, एग्जामिनेशन में, तो ये बातें हैं। अब देखिए जैसे ही ये जो ट्रांसफर ऑर्डर आया है, ये ट्रांसफर ऑर्डर होगा उसके बाद देखो एक म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, यानी कि अगर किसी को दिल्ली से जो है सपोज कर लेते हैं कि झारखंड के किसी स्टेट में आना, झारखंड के किसी डिस्ट्रिक्ट में आना है, या फिर केरला वाले को जो है किसी दिल्ली में आना है, तो ये ट्रांसफर जैसे ही कंप्लीट होगा, एनुअल ट्रांसफर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, एंड आफ्टर दैट आपको जो है एक सर्वे कंडक्ट कराया जाता है यहाँ पे, और सर्वे के ठीक बाद जो है आपको नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा। याद रखिएगा आने वाले समय में 3-4 राज्यों में इलेक्शन भी है, सरकार को कुछ काम भी करके दिखाना होता है, बस ऐसे ही चीज़ें बिल्कुल नहीं होगा हो जाएगी, तो ऐसी बात है। तो ये मैंने आपको बताई है, यहाँ तो आपको अभी 0-0 दिखेगा बिकॉज ऑफ दिस इज ट्रांसफर वाला, ये ट्रांसफर वाला जो है नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के बाद आफ्टर दैट आपको जो है और भी वैकेंसी की जो है अपडेट मैं देता रहूंगा। खास करके देखो अभी जो है केबीएस की वैकेंसी आने में 2-4 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन एनबीएस की वैकेंसी जो उन्होंने टेंटेटिव डेट वगैरह निकाल के रखी है वो आपको बहुत जल्द, आई रिपीट, जो उन्होंने टेंटेटिव डेट दिया है 10-12 दिन आगे या 10-12 दिन पीछे हो सकता है, लेकिन रिक्रूटमेंट जरूर आएगी। तो उसके बारे में केबीएस एनबीएस डीटर पलेसवी की वैकेंसी जो है पाइपलाइन में है, आफ्टर दैट एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, तो ये बहुत बड़े बड़े संस्थानों से जो है सेंट्रल स्कूलों से रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, तो इनके PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। यहां से मेरी ईमेल आईडी फिर से एक बार देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। 100 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो टीजीटी के एग्जामिनेशन हुए, जैसे भी बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है उसके पेपर में आपको दे दूंगा, इसके अलावा DSSSB KBS NBS और भी 10 तरह के जैसे यूपी के एग्जाम होते हैं, राजस्थान में पेपर होता है, तो इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। थोड़ा पेशेंस रखना, आफ्टर दैट यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, थोड़ा पेशेंस से जो है आपको डील करना है। सब्जेक्ट आप लिख दें, बाकी जो भी अपडेट आएगी डेफिनेटली आई विल अपडेट यू। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस वीडियो को, ठीक है, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। दूसरी बात, इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप पे, और जो एजुकेशनल ग्रुप है वहाँ पे तो डेफिनेटली आपको जो है क्या करना है, इस वीडियो को शेयर या साझा कर देना है, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी जो है हमारे साथ जुड़ पाएं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं किसी और वीडियो में, पढ़ाई में लगे रहें, वैकेंसी जैसे ही आएगी, जैसे ही कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।